Welcome students, I'm Rashmi, your English teacher. So today we are doing direct indirect. We can say also narration or reported speech, one or the same thing. इससे पहले देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको टेंस बहुत अच्छे से करवाए थे, आपको याद होगा, सारी वीडियोस आपके पास हैं। इसीलिए करवाए थे और आपको कहा भी था कि जब तक टेंस नहीं आएंगे हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं सीख सकते। तो यदि आपने टेंस वाली वीडियोस नहीं देखी है, खास तौर पर स्पेशली प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस, तो प्लीज एक बार जरूर देखिएगा, उसके बाद हमें फौरन डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझ में आ जाएगा। आज इंट्रोडक्टरी क्लास है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट से हमारा तात्पर्य क्या है, हम क्या समझते हैं, क्या है ये। ये चीज मुझे बच्चों तब पता चली जब मैंने आपको वर्कशीट जो आप लोगों की चेक की, आपकी वीडियोस बनाई और उसके बाद मैंने आपसे पूछा, तो क्लास के अंदर आप थोड़ा हेजिटेट कर रहे थे, तो मुझे लगा कि भाई नहीं, अब मुझे जो है आपको समझाना चाहिए। इट इज योर डायर नेसेसिटी, दैट इज व्हाई आई हैव कम अगेन हियर। सो डायरेक्ट इनडायरेक्ट, देखिए डायरेक्ट क्या है, आई एम टीचिंग यू दिस थिंग, आप सुन रहे हैं, मैं पढ़ा रही हूं। अब यदि यही बात आप घर जाकर राम अपनी माता जी को कैसे कहेंगे, वो इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगी कि आज मम्मी मुझे मेरी इंग्लिश की टीचर ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट करवाए और अब मैं क्या कह रही हूं, आई एम टीचिंग यू, और वो घर जाकर क्या कहेगा कि मेरी मैडम ने मुझे पढ़ाया। और यहां क्या है बात, प्रेजेंट में मैं पढ़ाती हूं और घर जाकर पढ़ाया, तो प्रेजेंट टेंस विल चेंज इनटू पास्ट टेंस। ये एक इसका गोल्डन प्रिंसिपल है जो आपको याद रखना है। दूसरी बात पर यदि यूनिवर्सल ट्रुथ है, कोई इंपॉर्टेंट डेट है, यदि कोई पॉलिसी मैटर है, तो उस केस में बच्चों आपका टेंस चेंज नहीं होगा। जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, चाहे आपका रिपोर्टेड वर्क पास्ट टेंस में हो लेकिन जो स्पीच है वो एज इट इज रहेगी। या द सन राइजेज इन द ईस्ट हमेशा ही निकलता है, तो यहां भी कोई टेंस चेंज नहीं होगा। और फिर से देख लीजिए, यदि हम आपको इस समय पढ़ा रहे हैं या कुछ बात भी बच्चे करते हैं, जैसे मैंने कहा अपनी क्लास की किसी गर्ल को ही कह दिया, सीता यू आर वेरी ब्यूटीफुल, आप बहुत सुंदर हैं, यदि मैं ये बात कहती हूं तो उस समय दूसरी लड़की रमा वो कहेगी, किसको कहेगी, अपनी किसी और फ्रेंड को कहेगी कि टीचर सेड दैट सीता वाज वेरी ब्यूटीफुल। और यहां मैं क्या कह रही हूं, सीता यू आर वेरी ब्यूटीफुल। और जब इनडायरेक्ट होगा तो क्या बन जाएगा, सीता वाज ब्यूटीफुल। तो क्लियर हो गया ये फंडा टेंस का, कि जो प्रेजेंट टेंस है वो पास्ट टेंस में बदल जाएगा। डायरेक्ट स्पीच मीन्स जब हम डायरेक्ट बात कर रहे हैं, इनडायरेक्ट मीन्स जब आप वही बात किसी दूसरे को कहते हैं, उस समय वो बात इनडायरेक्ट हो जाती है। मैंने इसको कही, उसने उसको कही, उसने इसको कही, इनडायरेक्ट स्पीच हो गई। तो आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, टेंस चेंज हो गया। उसके बाद देखिए, there will be change into pronoun also, pronoun वाले भी मैं आपको सिखा चुकी हूं पहले ही parts of speech में, pronoun वाले वीडियो वो भी जरूर देख लेना। आप सोच रहे मैडम तो काम पे काम दिए जा रही है, भाई मैं क्या करूं, जब आप इतनी नई चीज सीख रहे हैं जो आपके सिलेबस में है, 9th भी 10th भी 8th क्लास भी, तो बेटा मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो प्रोनाउन में आपको पता, अब मैं फिर से एक बार आपको याद करवा दूं क्या, देखिए फर्स्ट पर्सन
आई, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही शी इट एनी नेम। तो देखिए जो फर्स्ट पर्सन है आई, इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जस्ट एज शी सेड टू मी। अब ये शी क्या है आपका, शी क्या है सब्जेक्ट, सेड टू मी क्या है ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर आई एम गोइंग, फर्स्ट पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन काला रंग। जो भी पर्सन होगा, चाहे सेकंड पर्सन हो चाहे फर्स्ट पर्सन हो, बच्चों थर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे काले रंग में कोई रंग नहीं मिलता ना, सफेद रंग डाल दो काले में क्या रंग हो जाएगा, काला। लाल रंग डाल दो क्या रंग हो जाएगा, काला। तो इसी तरीके से एक बात याद रख लेना, यदि थर्ड पर्सन आया हुआ है, इसके साथ कोई सा भी यदि पर्सन आ गया बच्चों, सेकंड हो फर्स्ट हो, सब के सब थर्ड में बदल जाएंगे, भूलना नहीं बच्चों। थर्ड पर्सन प्रोमिनेंट है, वहां पर भी मैंने आपको सिखाया था। अब ये देखिए, शी सेड टू मी, शी इज थर्ड पर्सन सिंगुलर, सेड टू मी आई एम गोइंग, आई इज फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू शी एंड शी इज थर्ड पर्सन। तो क्या हो जाएगा, शी और एम का वॉज गोइंग, ठीक है। अब आप दूसरे पर देखिए, यहाँ पर फिर से मैं आ जाती हूँ, और सेकंड पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंगली चेंज होगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, मी जो है वो उसके अकॉर्डिंगली यदि कुछ भी है वो मैं और आगे एक्सप्लेन से आपको करके बताऊंगी, एक एक्स्ट्रा क्लास लूंगी आपको समझाने के लिए। बच्चों मैंने भी सोचा है आपको सिखा कर ही दम लूंगी। और आगे देख लीजिए, थर्ड पर्सन मैंने लिखा है रिमेन द सेम, नो चेंज। मजा आ गया थर्ड पर्सन में आपको, है अच्छा लगा, कुछ मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी, यूनिवर्सल ट्रुथ में भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, एज इट इज रहेगा। अब देखिए फिर से, ये जो अभी मैंने आपको समझाया था, एक चीज आपको और बता देती हूँ भैया, रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच ये हमारे को बहुत कंफ्यूज करते हैं, कई बार करते हैं। अब ये देखिए, रिपोर्टेड वर्ब क्या है, शी सेड टू मी, ये रिपोर्टेड वर्ब है। और कॉमास के अंदर क्या है, आई एम गोइंग, ये आपकी रिपोर्टेड स्पीच हो गई। तो ये आपकी कॉमास में, शी सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। बच्चों यदि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी डायरेक्ट स्पीच है। और हम उसको चेंज करने के लिए क्या कहेंगे, हम दैट बना देते हैं। जैसे शी टोल्ड मी दैट, अब ये इनडायरेक्ट बनना शुरू हो गया। शी टोल्ड मी दैट शी वॉज गोइंग, इनडायरेक्ट बन गया बच्चों, कॉमास हट गए, दैट लगा दिया, तो ये इनडायरेक्ट बन गया। इसको जरा आप अच्छे से समझ कर रखिएगा। और एग्जाम्पल मैं आपको बोलती हूँ, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम गोइंग, तो ही टोल्ड इन्वर्टेड कॉमा हटा देंगे, दैट ही वॉज गोइंग, द टीचर सेड टू द क्लास कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यू आर गुड स्टूडेंट, तो द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट दे वर गुड स्टूडेंट्स। ऐसे करके आप समझ के करना। आज मैंने बिल्कुल इजी लेवल लिया है, अब हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चले जाएंगे। और बच्चों हाँ, आपको भी साथ में मेहनत करनी है, ये मत सोचना कि वीडियो देख ली ये क्या मेहनत करनी पड़ रही है, ये दिमाग में मत लाइएगा। आप एंथुजियास्टिकली आगे बढ़िएगा मेरे साथ, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। और वीडियो को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि आपको समय समय पर सभी वीडियोज मिलती रहे, लाइक भी कीजिएगा बच्चों। तो ये आपको ध्यान रखना है। और हम जो है आगे बहुत सारे सेंटेंसेस की टाइप भी है, जैसे क्वेश्चन वाले हैं और आपके ऑब्जेक्टिव कुछ भी है, आपको धीरे धीरे रिक्वेस्ट वाले हैं, हम आगे आगे बच्चे आपके साथ बढ़ेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कुछ क्वेश्चन होगा बच्चों तो क्वेरी में लिखकर आप जरूर मुझसे पूछिएगा। ओके स्टूडेंट्स, बाय स्टूडेंट्स।